ये देखो, देखने में भी सुंदर और खाने में उतनी ही टेस्टी, बनाना उतना ही आसान। बहुत ही आसान सी इवनिंग स्नैक्स या फिर टी टाइम स्नैक्स कह लो, उसकी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे खाने में तो मजा आएगा ही, बनाने में भी मन लगेगा। तो देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं हूँ पिंकी और आपका मेरे किचन में स्वागत है। तो इस रेसिपी के लिए, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं पोटैटो रोल की रेसिपी, यहाँ पे हम एक बोल में हाफ कप मैदा ले लेंगे, साथ ही हम ले लेंगे एक टेबल स्पून रवा, 1/4 टीस्पून के करीब नमक या फिर एज पर टेस्ट नमक ले लेंगे, 1/2 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल ले लेंगे। अब इन सबको पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारी बेहतरीन रेसिपीज मिलेगी आपको मेरे चैनल में। अगर अब तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब हम यहाँ पे पानी को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसका डो प्रिपेयर कर लेंगे। इसे हमें अच्छे से गूंद लेना है। ये देखिए, ये अच्छे से गूंद चुका है। अब हम इसे 15 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे और चलते हैं दूसरे प्रोसेस में। अब हम यहाँ पे एक दूसरा बोल ले लेंगे और उसमें डाल देंगे 3 से 4 ग्रेट किया हुआ मीडियम साइज का बॉइल्ड पोटैटो यानी कि आलू, और 1/2 चॉप्ड किया हुआ अनियन, 2 बारीक कटा हुआ ग्रीन चिली, आप ग्रीन चिली की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे ले लेंगे चॉप्ड किया हुआ स्प्रिंग अनियन, आप चाहें तो यहाँ पे कोरिएंडर लीव्स भी ऐड कर सकते हैं स्प्रिंग अनियन के साथ, और नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। अब इसे चटपटा बनाने के लिए 1/2 टीस्पून के करीब चाट मसाला ले लेंगे, साथ ही स्वाद के अनुसार नमक यानी कि सॉल्ट ऐड कर देंगे। तो ध्यान रहे कि मैदा में भी हमने नमक डाल रखा है। अब इसमें 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे, साथ ही हम यहाँ पर डाल देंगे 2 टेबल स्पून के करीब रवा यानी कि सूजी। रवा के साथ साथ यहाँ पे 2 टेबल स्पून के करीब बेसन भी डाल देंगे। और अब हाथों के हेल्प से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों, रेसिपी अगर पसंद आए तभी लाइक और सब्सक्राइब करें, और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। इससे हमें खुशी और मोटिवेशन दोनों ही मिलता है, और हो सके तो इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अब हाथों में थोड़ा सा तेल ग्रीस कर लेंगे और मिक्सर के थोड़े से पोर्शन को लेंगे और इसे शेप देंगे। तो मैं यहाँ पर सिलेंड्रिकल शेप दे रही हूँ, आप अपने पसंद की कोई भी शेप को दे सकते हैं। इस तरीके से ये देखिए, एक प्लेट में रखते जाएंगे, बाकियों को भी रेडी कर लेंगे सेम तरीके से। 15 मिनट के बाद आइए डो को भी देख लेते हैं। डो भी अच्छे से सेट हो गया, इसे थोड़ा सा फिर से हम गूंद लेंगे। अब हम थोड़ा सा सूखा हुआ आटा ले लेंगे और डो को उसके ऊपर रख करके हाथों से प्रेस करेंगे पहले, और अब इसे बेल लेंगे। इसे हमें बहुत पतला या बहुत मोटा नहीं बेलना है, इतना बेल लेने के बाद अब हम इसके चारों कॉर्नर को कट करके हटा देंगे, क्योंकि हमें इसका स्क्वायर शेप चाहिए, तो इसलिए चारों कॉर्नर्स जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट करके हटा लेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं। और अब इसे लंबे लंबे लाइंस में कट कर लेंगे। अब इन्हें अलग कर लेंगे और इन्हें एक प्लेट में रखते जाएंगे। है ना इंटरेस्टिंग रेसिपी दोस्तों, अभी आगे देखो होता है क्या। अब प्लेट को एक तरफ रख देंगे और रोलिंग बोर्ड को लेकर आएंगे, और एक रिबन को इसमें मैंने रखा है, इस तरीके से रख लेंगे।
अब आलू के मिक्सचर को लेंगे और इस तरीके से इसे हमें रोल करना है। ये देखो आप, सीधे सीधे नहीं करेंगे, थोड़ा सा टेढ़ा करके हम इसको रोल करते जाएंगे, तो ये अपने आप ही रोल होने लगेगी। ये देखो, बहुत ही आसान है इसे रोल करना। एक प्लेट में रखते जाएंगे। आइए मैं आपको एक फिर से करके दिखाती हूँ। आलू के मिक्सचर को लेंगे और बड़े ही प्यार से इसे थोड़ा सा टिल्ट करके, यानी कि थोड़ा टेढ़ा करके इसे रोल करते जाएंगे। बहुत ही आसान है, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना है। देखा, मन लग रहा है ना इसे रोल करने में। बाकियों को भी हम सेम तरीके से रोल कर लेंगे और रेडी कर लेंगे। करीब 11 से 12 पीसेस आपके बनेंगे इसके। मैंने इतना ही रेडी किया है, अब चलते हैं दूसरे प्रोसेस में। यहाँ पे मैंने एक पैन में तेल पहले से ही गर्म होने को रख दिया था, तो तेल जब अच्छे से गर्म हो तभी हम डालेंगे पोटैटो रोल्स को, और इसे पहले ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे, फ्लेम को यहाँ मीडियम करेंगे। ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा तेल डालते रहेंगे ताकि ये ऊपर से भी पकता रहे। इसे चारों तरफ फ्लिप करते हुए अच्छे क्रिस्पी करारी गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। देखा दोस्तों, ये टेस्टी होने के साथ साथ खूबसूरत भी है। अब इस टाइम पे हम इसे निकाल लेंगे और बाकी के जितने भी पोटैटो रोल से उन्हें हम डीप फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने सारे रोल्स को रेडी कर लिए। तो देखा कितना आसान है इसे बनाना। ये देखो, बहुत ही क्रिस्पी बनी है और उतनी ही टेम्पटिंग। अब इस रेसिपी को एक बार बनाना तो बनता है। सारी चीजें आपको घर में ही मिल जाएंगी, कुछ ज्यादा सामान लगना नहीं है इसमें। तो इसे ट्राई करें और अपना फीडबैक शेयर करें। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। मेरे साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे और फेसबुक।